अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलियास कुजीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जोधपुर के फेमस मिर्ची वड़ा की रेसिपी। तो तीखे चटपटे से मिर्ची वड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, और इनको तैयार करना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर मोटी वाली मिर्च ली है हरी, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें इस तरह से कट लगाएंगे बीज में से, और इसके जो सीड्स हैं अंदर इनको हमें निकालना है क्योंकि हम इसमें अंदर स्टफिंग करने वाले हैं। तो इसके सीड्स को हम स्पून की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल देंगे इस तरह से। तो इसके सारे सीड्स हमने यहाँ पर इस तरह से निकाल देना है सभी मिर्चियों में से। और देखिए सभी मिर्चियों को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है सीड्स से निकाल कर। इनको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून हम लेंगे ज़ीरा, 2 टीस्पून लेंगे हम सौंफ, और इसके साथ ही हम खड़ा धनिया भी लेंगे 2 टीस्पून। गैस ऑन करके इसको हम रोस्ट कर लेते हैं, इसे ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको बस अच्छी सी खुशबू आने तक हमें इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तो देखिए बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। ग्राइंडर में डाल देते हैं और इसके साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 2 पिंच हम इसमें हींग ले लेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक इसमें डालकर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से पीस लेंगे। तो देखिए थोड़ा दरदरा सा हमने इसका मसाला तैयार करा है। अब यहाँ पर हमें मिर्ची वड़ा के लिए जो बेसन की कोटिंग करना है उसकी तैयारी करना है। तो हम बेसन यहाँ पर ले लेंगे, मैंने 3 से 4 कप यहाँ पर बेसन लिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्का सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं इसमें भी, 2 पिंच के करीब इसमें सोडा ऐड करेंगे और इनको ड्राई अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं हम, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। इसको इस तरह से हम जब ड्राई मिक्स कर लेंगे तो सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हुए इसका गाढ़ा सा एक घोल तैयार करना है हमें। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से रिबिन की तरह ये गिर रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पर हमने 4 उबले हुए आलू लिए थे, तो इनको मैश कर लेते हैं। एक पैन रख देंगे, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसको हल्का सा गर्म करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें राई, और 1 टेबल स्पून इसमें ग्रेटेड जिंजर डाल देते हैं हम। इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फ्लेम को हमें सिंपल ही रखना है और इन मसालों को हल्के हल्के रोस्ट करना है। इसके साथ ही हरी मिर्च ऐड कर देंगे 1 से 2। आप इसमें मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो मसाला हमने इसमें तैयार करके रखा था ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं तो इसके लिए ये इतना मसाला सफिशिएंट है। तो आप देख लीजिएगा आपको जितनी इसमें स्टफिंग बनाना है उसके हिसाब से मसाले ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इधर हमारे मसाले को ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम जो स्टफिंग है इसको अच्छे से स्टफ कर देते हैं मिर्चियों के अंदर। तो सभी मिर्चियों को हम इसी तरह से स्टफ़ करेंगे, अच्छे से फिल कर देंगे। हमारी यहाँ पर मिर्चियाँ रेडी हैं। अब इसको लेकर हम बेसन में अच्छे से कोट कर लेते हैं। इधर ऑयल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाएगा इसके बाद हमें फ्लेम को सिम पर रखते हुए एक एक करके डाल देना है इसमें मिर्ची वड़ा। और बस इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी कोटिंग नहीं हो जाती इनके ऊपर से। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा इस पर कलर आ गया है और हमारे जो मिर्ची वड़ा हैं ये रेडी हैं। इनको निकाल लेते हैं हम सर्विंग प्लेट में, और यहाँ हमारे बहुत ही टेस्टी से मिर्ची वड़ा बनकर रेडी हैं।
इनको कट कर कर भी दिखाती हूँ मैं आपको। अंदर से भी बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुए हैं और इनकी स्टफिंग भी जो है बिल्कुल एकदम सेट है अंदर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो मिर्ची वड़ा हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऊपर से इनकी कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी सी होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और खाने में इनका टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।